नमस्कार, स्वागत है सभी का। आज हम देखने वाले हैं BS6 के बारे में। हाल ही में गवर्नमेंट अभी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो काफ़ी स्लैक में चल रही है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2020 के बाद में BS6 जो नॉर्म्स है गवर्नमेंट का वो लागू होने वाला है, और जो अभी हम यूज़ करते हैं BS4 व्हीकल वो बंद होने वाली है। तो उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक्चुअली वे BS6 है क्या और उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसका इन्वायरमेंट या इंडस्ट्री के ऊपर भी क्या असर होने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो जो BS6 है उसका जो फुल फॉर्म है भारत स्टेज 6। तो भारत स्टेज 6 ये जो नॉर्म्स है ये पोल्यूशन के रिलेटेड में है। तो ये इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी, 2000 में क्यों हुई थी, क्योंकि पोल्यूशन काफ़ी बढ़ गया था। क्योंकि जैसे जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ती गई तैसे वैसे वैसे ही होता क्या गया कि जो पोल्यूशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ता गया। क्योंकि जो पोल्यूशन हो रहा है पूरे कंट्री में, जितना जो रिसोर्सेस है जहाँ से पोल्यूशन इमिट होता है, सोर्सेस है पोल्यूशन के, उसमें से मेजर कंट्रीब्यूशन ये ऑटोमोबाइल का है। क्योंकि ऑटोमोबाइल 18-20% पोल्यूशन ऑटोमोबाइल से आता है। तो गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला जिसको भारत स्टेज लॉ कहते हैं। उसके मुताबिक आपको आपकी जो व्हीकल है उसका पोल्यूशन उस लॉ के मुताबिक चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताया गया है कि कार जो पोल्यूशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपके व्हीकल 1 किलोमीटर में फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ग्राम अगर CO2 बाहर डालती है तो उतना ही होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने लॉ प्रिस्क्राइब कर दिया कि भाई इतना ही पोल्यूशन होना चाहिए। तो उससे होगा क्या कि जो दिन प्रतिदिन ऐसा अभी हर साल इंडिया में 3 करोड़ व्हीकल नई बनती हैं। तो अगर हर साल व्हीकल बढ़ 3 करोड़ बढ़ती जा रही है तो पोल्यूशन आने वाले 10 सालों में कितना बढ़ेगा। तो ये मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने ये लॉ सन 2000 से लागू किए। तो क्या है वो हम आज के वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो उससे पहले हम देखेंगे कि अभी हम जो यूज़ कर रहे व्हीकल है वो है व्हीकल विथ BS4। ठीक है, और जो पुरानी व्हीकल है हमारी उससे, क्योंकि 2020 से BS6 व्हीकल चालू होने वाली है। तो इन शॉर्ट देखने वाले हैं मैकेनिक्स ऑफ BS6। भारत स्टेज नॉर्म्स विल टेक अफेक्ट इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो जो BS6 व्हीकल है वो 2020 से चालू होंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो नॉर्म्स है कहाँ से लिया गया है, यूरो 6। यूरो 6 क्या है, यूरोपियन कंट्री का जो नॉर्म्स है उसको भारत में भारत स्टेज 6 बोलते हैं। इससे होगा क्या, ये रिड्यूस द व्हीकल पोल्यूशन। और अभी इसका दो चीज़ों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। पहली तो अभी BS6 होता क्या है कि BS6 में हम क्या करेंगे कि ऐसी व्हीकल बनाएंगे जो पोल्यूशन कम इमिट करती हो, लेकिन उसके लिए हमें जो हमारा पेट्रोल डीजल है उसको भी प्योरीफाई ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसका इफेक्ट दो चीज़ों पे होगा, हमें हमारी जो रिफाइनरी है जिसमें मतलब हम पेट्रोल को, क्योंकि हम क्रूड ऑयल लेते हैं तो उसको प्योरीफाई करने के लिए रिफाइनरी लगती है, तो हमें रिफाइनरी भी बदलनी होगी और उसके साथ साथ हमें गाड़ी का इंजन भी बदलना होगा। ठीक है, तो इसलिए जो BS6 व्हीकल आएंगी उसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 50 से 1 लाख तक ज़्यादा होगी, और जो पेट्रोल भी आएगा वो भी कुछ 2-5 रुपये या 10 रुपये तक महंगा आ सकता है, लेकिन उससे पोल्यूशन काफ़ी हद तक कम होगा। तो यहाँ पे दिया गया है, देखो इंडिया में देखो सन 2000 में BS1 मतलब भारत स्टेज 1 जो नॉर्म्स है वो अप्लाई किया गया था नेशन वाइड, पूरे नेशन में। उसके बाद में भारत स्टेज 2 जो यूरो 2 मतलब यूरोपियन का जो नॉर्म्स है, यूरोपियन कंट्री का, उसके जैसा ही भारत स्टेज 2 जो इंडिया में लागू होता है वो 2001 में लागू किया गया, NCR मुंबई कोलकाता, और उसके बाद में पूरे नेशन वाइड 2005 में। उसके बाद में भारत स्टेज 3 2005 से 2010 के बीच में पूरे इंडिया में लागू किया गया। भारत स्टेज 4
2010 से लागू किया गया। और अभी भारत स्टेज जो 5 आने वाला था उसको स्किप करके गवर्नमेंट ने कहा कि हम भारत स्टेज 5 न लाते हुए डायरेक्टली भारत स्टेज 6 लाएंगे ताकि लोगों को कम परेशानी उठानी पड़े। तो भारत स्टेज 6 2020 में आएगा 4th महीने में और पूरी कंट्री में एक साथ लागू होगा। तो 2020 से अप्रैल 2020 से जो पेट्रोल मिलेगा वो भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी का होगा और पूरे इंडिया में मिलेगा वो, और उसके साथ साथ जो व्हीकल बेची जाएंगी वो सभी व्हीकल के जो इंजन है वो जो पोल्यूशन इमिट करेंगे वो BS6 नॉर्म्स के मुताबिक होंगे, मतलब काफ़ी कम मात्रा में पोल्यूशन वो इमिट करेंगे। ठीक है, तो ये पहले हमने जान लिया कि भारत स्टेज 1 2000 से चालू हुआ और 2020 में भारत स्टेज 6। तो जैसे जैसे हम बढ़ते गए BS1 BS2 BS3 तो जो पोल्यूशन इमिट होता है वो काफ़ी कम मात्रा में होता है। कितना कम होता है एक एग्जांपल लेंगे हम, तो यहाँ पे दिया गया है भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड आर द इमिशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रूल्स या नॉर्म्स तैयार किया है, क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, और जो हमारे हेल्थ में भी बैड इफेक्ट होता है कैंसर या रेस्पिरेशनल प्रॉब्लम होते हैं उसको रोकने के लिए। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि यूरो और भारत स्टेज में क्या अंतर है, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो यहाँ पे ग्राफ में दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है लास्ट में देख सकते हैं आप भारत स्टेज 6 वो अप्रैल 2020 से यहाँ पे देख सकते हैं वो मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है देखो इंडिया ऑटो सेक्टर अमाउंट फॉर अबाउट 80% ऑफ टोटल CO2 इमिशन। जितना भी CO2 इमिशन होता है हमारे कंट्री में उसमें से 18% प्रतिशत जो इमिशन है वो ऑटोमोबाइल करती है, तो इसको हमें रिड्यूस करना है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है देखो जो ऊपर दिखा है CO कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज देखो कितना था 1991 में, वो था 12 to 30 ग्राम पर किलोमीटर। ऊपर लिख या देख सकते हैं आप CO और ग्राम पर किलोमीटर तो कितना था 12 से 30 तक था, लेकिन जब BS3 आ गया तो वो 1 इतना कम हो गया। ठीक है, 1 इतना कम हो गया और BS6 में और कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन एंड NOx तो ये 3.6 था, जैसे जैसे BS बढ़ता गया तैसे वैसे वैसे ही पोल्यूशन कम होता गया। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स है BS6 के। अभी प्रॉब्लम क्या आएगा कि जैसे हमें ट्रांसफ़र होने में प्रॉब्लम आएगा तो काफ़ी सारा खर्चा जो रिफाइनरी इंडस्ट्री है जैसे कि रिलायंस है, उसके बाद में HPCL है, BPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल है, उनको रिफाइनरीज की नई रिफाइनरीज लाने के लिए नई टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनको जो पुरानी व्हीकल है वो अप्रैल से पहले बेच देनी पड़ेगी, और जो व्हीकल वो बची रहेगी उनको फिर BS6 में उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा या वो वेस्ट में चली जाएगी, और उसके साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप BS4 और BS6 का कंपैरिजन दिया है, यहाँ देखो BS4 और BS6। ठीक है, और अलग अलग व्हीकल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप पोल्यूटेंट्स दिए हैं ग्राम पर किलोमीटर में कितना इमिशन होता है, और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसा उसका प्रतिशत कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप एज़ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्म्स फॉर अपग्रेडेड फ्यूल सल्फर कंटेंट रिड्यूस टू 10 PPM पार्ट पर मिलियन। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे देखो सल्फर दिया है, तो सल्फर का कंटेंट कितना था BS4 में, वो था 50 पार्ट पर मिलियन, 50 पार्ट था, और रिड्यूस करके हमने 10 पे लाया है BS6 में। ठीक है, तो BS जो सल्फर का जो पोल्यूशन है वो काफ़ी मात्रा में, मतलब हम कह सकते हैं कि 80% कम हो गया, किसकी वजह से BS6 की वजह से। दिस की रिडक्शन इन सल्फर मेक्स इट पॉसिबल टू इक्विप व्हीकल विद बेटर कैटालिटिक कन्वर्टर दैट कैप्चर पोल्यूटेंट्स। पर्टिकुलेट मैटर विल रिड्यूस फ्रॉम 0.005 ग्राम पर किलोमीटर एज अगेंस्ट ऑफ 0.025 ग्राम पर किलोमीटर ऑफ BS6 स्टैंडर्ड। इमिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड विल बी 70% लेस। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी पोल्यूशन
70% लेस हो जाएगा अगर हमने BS6 लाया तो। उसके साथ साथ पर्टिकुलेट मैटर जिसकी वजह से कैंसर भी होता है उसका प्रतिशत भी 0.025 ग्राम पर किलोमीटर से रिड्यूस करके 0.005 ग्राम पर किलोमीटर किया गया है। एडवांटेजेस क्या क्या है कि सल्फर का भी, सल्फर विल डाउन 5 times फ्रॉम BS4। सल्फर की लेवल वो काफ़ी मात्रा में कम की गई है, वो अभी कितना है 10 PPM और वो पहले कितनी थी 50। उसके बाद में पर्टिकुलेट मैटर इमिशन भी काफ़ी कम हो गया है। उसके बाद में नाइट्रोजन ऑक्साइड का इमिशन 70% कम हो गया है। तो भारत स्टेज है क्या, भारत स्टेज एक इमिशन स्टैंडर्ड है जो पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स क्या है, पहला हेल्प टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, लेस पोल्यूटेंट्स, तो बाहर जो पोल्यूशन जाएगा वो कम होगा। उसके बाद में जो हार्मफुल गैसेस है वो एग्जॉस्ट से कम बाहर आएंगी और सल्फर कंटेंट भी बाहर कम जाएगा। तो ये थी BS4 या BS6 के बारे में जानकारी। दोनों में डिफरेंस हमने देखा कि पोल्यूशन कितना कम होने वाला है और ये काफ़ी इको फ्रेंडली है, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज करने के लिए हमें काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट रिफाइनरीज और इंडस्ट्रियल सेक्टर में करनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।